प्रथम तहलका न्यूज। हिसार में रोडवेज कर्मचारी समस्या के समाधान को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध में ये कर्मचारी बीते 3 दिनों से भूख हड़ताल पर ही बैठे हैं। तालमेल कमेटी के राज्य उप प्रधान सूरजमल पावड़ा ने कहा कि डिपो महाप्रबंधक कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहते, इसलिए वे जानबूझकर आंदोलन को बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि महाप्रबंधक जल्द ही कर्मशाला के कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान में तीसरे ACP का लाभ, नव नियुक्त ग्रुप डी के कर्मचारियों का वार्षिक वेतन वृद्धि और कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित ACP के लाभ देने सहित मांग पत्र में दी गई सभी समस्याओं का तत्काल समाधान करे। लेकिन GM साहब ने बुला के आश्वासन दिया था कि आपकी जो समस्याएं हैं डिपो से, जो कर्मचारियों से जुड़ी समस्याएं, उनको मैं 15 दिन के अंदर सारी की सारी फाइलें निपटा दूंगा। तालमेल कमेटी ने बड़े संयम से काम लिया और 15 की बजाय 20 दिन का टाइम दे दिया GM साहब को। लेकिन GM साहब के पता नहीं दिमाग में क्या है, 20 दिन के बाद में भी कुछ कार्य नहीं किया। जैसे कर्मचारियों को मेडिकल बिल लटके हुए हैं, किसी का ACP लगना है तो किसी को किस चीज़ के पैसे देने हैं, मतलब इंग्रीमेंट है, इंग्रीमेंट नहीं लगी हैं। तो वर्कशॉप में ACP की बात है कर्मचारियों की, तो ऐसे मामले लटकाए हुए बैठे हैं। पता नहीं GM साहब के दिमाग में क्या बात है। हम तो ये कहते तेरे को शुद्ध बुद्धि दे, क्यों हमने मतलब ज़्यादा आपसे टकराव नहीं करना चाहते। तो इसलिए हमारी मीडिया के माध्यम से मांग है कि अगर तालमेल कमेटी के साथ बातचीत करे, अन्यथा जो मेरे दोस्त ने बताया है, तो कोई तालमेल कमेटी कोई भी बड़ा आंदोलन करने से गुरेज नहीं करेगी और ये फिर सारी जिम्मेवारी महाप्रबंधक की होगी। इसके साथ ही रोडवेज के कर्मचारियों ने प्रशासन को चेतावनी भी दे डाली है। इनका कहना है कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो तालमेल कमेटी आंदोलन को बड़ा कर देगी। अब इन कर्मचारियों की चेतावनी का प्रशासन पर क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। प्रथम तहलका के लिए हिसार से परवीन कुमार की रिपोर्ट।